अस्सलाम वालेकुम। हम बात कर रहे थे पीडीएच की रेगुलेशन की। मैंने एलोस्टेरिक और कोवेलेंट रेगुलेशन मॉडिफिकेशन बता दी, रेगुलेशन बता दी, सॉरी मैंने एलोस्टेरिक बता दिया, अब कोवेलेंट बताने लगी हूँ। कोवेलेंट में हम दो टर्म्स यूज़ करते हैं, इंड्यूसर्स और रिप्रेसर्स की। अब इसके जो रेगुलेटरी एंजाइम्स हैं मैंने आपको बताए थे, दो होते हैं। कोवेलेंट मॉडिफिकेशन दो तरह से होती है इसकी, एक तो पीडीएच काइनेज करता है और एक पीडीएच फॉस्फोटेज करता है। अभी कैसे करता है? अब ये जो पीडीएच एंजाइम है ना, ये डी फॉस्फेट, आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो पीडीएच एंजाइम है ना, ये डी फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म में एक्टिव होता है। ठीक है, इसकी दो फॉर्म्स हैं, पीडीएच ए और पीडीएच बी। जो पीडीएच ए है वो एक्टिव फॉर्म है और डी फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म है, मतलब फॉस्फेट लगा नहीं हुआ उसके साथ। और जो पीडीएच बी है ना, वो इनएक्टिव फॉर्म है और वो फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म है। ये देखो फॉस्फेट लगा हुआ है। अब काइनेजेस जो होंगे वो इसको फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और जो फॉस्फोलेटेड है वो इसको डीफॉस्फोरिलेटेड में कन्वर्ट करेंगे। अब जो चीज़ें इस काइनेज को एक्टिवेट कर रही हैं, ठीक है, वो अल्टीमेटली पीडीएच को क्या कर रही हैं, इनहिबिट, ठीक है, इनएक्टिव कर रही हैं, और वो पायरूवेट के ऑक्सीडेशन को इनहिबिट कर रही हैं, ठीक है, रिवर्स। और जो फॉस्फोलेटेड को एक्टिवेट कर रही हैं वो एक्टिवेट पीडीएच को भी कर रही हैं। फॉस्फेटेज छोटा है, पहले हम ये देख लेते हैं फॉस्फेटेज को एक्टिवेट कौन कौन सी चीज़ें करती हैं। इंसुलिन एडिपोजेसों में ज़्यादा है तो फिर पीडीएच फॉस्फेटेज एक्टिवेट हो जाता है और ये इसकी डीफॉस्फोरिलेटेड फॉर्म मतलब एक्टिव फॉर्म एक्टिवेट हो जाती है और इसकी वो ज़्यादा हो जाती है। ये मैंने आपको इंसुलिन की भी पहले बता दी हुई है कहते हैं कैसे होती है, ठीक है। इंसुलिन पीडीएच फॉस्फेटेज को एक्टिव करता है, वो एक्टिव कर देता है और ये आगे से पीडीएच को एक्टिवेट कर देता है। इसके अलावा मैग्नीशियम और कैल्शियम, हम मसल्स में मैग्नीशियम और कैल्शियम का लेवल अगर ज़्यादा हो जाए मसल या ब्लड में, तो इसका मतलब है कि हम एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, एक्सरसाइज वगैरह में ज़्यादा होता है तो एक्सरसाइज में हमें ऑक्सीजन की जरूरत, ग्लाइकोलाइसिस बहुत तेज़ हो रही होती है, तो उसकी वजह से मैग्नीशियम और कैल्शियम इस फॉस्फेटेज को एक्टिव कर देंगे और उसकी वजह से ये पीडीएच एक्टिव हो जाएगा और ऑक्सीडेशन ऑफ पायरूवेट एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा हम पीडीएच काइनेज की बात कर लेते हैं, तो पीडीएच काइनेज को तीन चीज़ें इंड्यूस करती हैं, तीन चीज़ें इसको पे पॉजिटिव इफेक्ट देती हैं, तीन चीज़ें पे नेगेटिव इफेक्ट देती हैं। सबसे पहले पॉजिटिव इफेक्ट, ये बात याद रखनी है, जो इसको एक्टिव करेगी ना वो पीडीएच को इनएक्टिव कर देगी, ठीक है, जो इसको इनएक्टिव करेगी वो पीडीएच को एक्टिव करेगी। इसको तीन चीज़ें एक्टिव करती हैं। अगर हम मैंने कहा ना बॉडी में हमारी एनर्जी का लेवल ज़्यादा, तो फिर तो हमें इसकी ऑक्सीडेशन की ज़रूरत ही नहीं है, तो हमारी जो एनर्जी लेवल्स हैं वो किस तरह से हम करते हैं, एटीपी अगर बॉडी में ज़्यादा हो तो उस वजह से ये एक्टिव हो जाता है और पीडीएच इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। एटीपी एनर्जी है ना, इसको एटीपी एडीपी रेशियो भी कह सकते हैं, मतलब एटीपी से ज़्यादा है एडीपी। दूसरी बात, एनएडीएस का लेवल ज़्यादा है तो वो भी काइनेज को क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है, उसकी वजह से पीडीएस इनएक्टिव हो जाता है। इसके अलावा एसिटाइल कोए अगर ज़्यादा है, जो प्रोडक्ट था प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है हमारे पास, तो फिर भी वो काइनेज को एक्टिव कर देगा और वो पीडीएस को इनएक्टिव कर देगा, ठीक है। तीन चीज़ें हैं, एटीपी, एनएडीएस और एसिटाइल कोए। अब तीन चीज़ें इसको इनहिबिट कर देती हैं और वो अल्टीमेटली एक्टिवेट कर देती हैं पीडीएच को। कौन कौन सी हैं? पहला तो सबस्ट्रेट ही आ गया ना, पायरूवेट, ठीक है, पायरूवेट इसको इनएक्टिव कर देता है और एक्टिवेट कर देता है पीडीएच को, ठीक है। दूसरी बात, कैल्शियम वही बात कि हमारी बॉडी हम मसल्स में अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसकी वजह से कैल्शियम प्रोड्यूस हो रहा है और वो हमें एनर्जी चाहिए, तो कैल्शियम आएगा और इस काइनेज को इनएक्टिव कर देगा और वो अल्टीमेटली पीडीएच को एक्टिव कर देगा। इसके अलावा डाइक्लोरो एसीटेट आता है, वो इसको इनएक्टिव कर देता है और ये और इनडायरेक्टली एक्टिव कर देता है पीडीएच को। तीन मैंने एक्टिवेटर्स बताए, तीन इसके नेगेटिव इफेक्ट में बात की, एटीपी, एनएडीएच और एसिटाइल कोए काइनेज को एक्टिव कर देते हैं, डाइक्लोरो एसीटेट, पायरूवेट और कैल्शियम इसको इनएक्टिव कर देते हैं।